प्रत्याशी अब तक उतार दिए हैं। बस कल से चुनाव प्रचार शुरू है। आज 19 कैंडिडेट जननायक जनता पार्टी के और एक कैंडिडेट जिसका फॉर्म भी इनकम्प्लीट था उसका आज इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन है, और मैं मानता हूँ बड़ी मजबूती के साथ सभी साथी चुनाव लड़ रहे हैं। और परसों से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के और सभी नेताओं के कार्यक्रम राजस्थान में शुरू हो जाएंगे, और जो गति है प्रचार की उसको देखिए। और मेरा तो आज भी मानना है कि जो बात डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कही थी सीकर की रैली में कि चाबी का निशान होगा मुख्यमंत्री किसान होगा, वो चाबी राजस्थान विधानसभा का ताला खोलेगा। सर, इस तरह की बातें की गई कि हरियाणा छोड़ के राजस्थान की तरफ बीजेपी चौधरी देवीलाल जी कभी हरियाणा राजस्थान में भेदभाव रखते थे? डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी तो खुद दो बार वहाँ से विधायक बने, और जिन लोगों की ये सोच है, ये कहते हैं कि वहाँ छोड़ के चले गए, वो शायद खुद एक नया कदम रखने से डरते हैं। हमारे लिए तो शुरुआत है, 4 साल में पार्टी संगठन को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की गाइडलाइंस में 5 साल में हम इस मुकाम पर ले आए, और राजस्थान के अंदर भी पहला चुनाव पार्टी लड़ रही है, और पहले चुनाव में मैं मानता हूँ कि हमारे अच्छी मात्रा में विधायक चुनकर आए। कि आज के दिन जो स्थिति है उसके अंदर की फैक्टर जो रीजनल दल है, जो इंडिपेंडेंट्स है, वो प्ले करेंगे, और आने वाले भविष्य में राजस्थान विधानसभा के अंदर जो किसान वर्ग है उसकी ताकत बड़ी मात्रा में। आप खुद कितने दिन अब राजस्थान में रहने वाले हैं? मैं तो स्वयं 5 से 6 दिन आने वाले भविष्य में राजस्थान में प्रचार में पार्टी जैसे आदेश देंगे।